मैं विजय आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस मैग्नेट पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महाभियोग के बारे में, यानी कि महाभियोग प्रक्रिया क्या होता है जिसे हम अनुच्छेद 61 में पढ़ने का काम करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रक्रिया होता है जिसे महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है, और महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में आता है। इसी पे हम बहुत डिटेल से बताने वाले हैं कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से समय से पहले कैसे हटाया जाता है, क्यों हटाया जाता है, आखिरकार इस महाभियोग प्रक्रिया में भाग कौन कौन लेते हैं जिससे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है उसे महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। और राष्ट्रपति को जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक हमको अनुच्छेद पढ़ना होता है राष्ट्रपति के बारे में। मैं बहुत डिटेल में मैं राष्ट्रपति को पढ़ाने वाला हूं, लेकिन आज का एक टॉपिक लिए, टॉपिक नहीं एक अनुच्छेद लिए हैं जिस अनुच्छेद का नाम है 61, जिसे क्या कहा जाता है, जिसमें महाभियोग प्रक्रिया का बात किया गया है। और यह महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने के लिए लगाया जाता है। तो आइए हम आपको कुछ बेसिक डिटेल्स को समझाना चाहता हूं कि आखिरकार जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 52 से लेकर 62 तक, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए या महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग किस किस अनुच्छेद में किया गया है, पहले इस पे मैं आपके फोकस डालना चाहता हूं, आपके दृष्टि डलवाना चाहता हूं। जैसा कि जैसे महाभियोग प्रक्रिया का बात करता है या महाभियोग का बात करता है कोई भी एग्जाम, तो हम देखते हैं कि अधिकतर बच्चे, अधिकतर मेरे प्यारे साथियों फंस जाते हैं उसके लैंग्वेज में हूं। क्योंकि एक अनुच्छेद अगर मैं आपको याद दिलाऊं, अनुच्छेद एक अनुच्छेद 56 में याद दिलाऊं और एक अनुच्छेद 61 को मैं याद दिलाऊं, तो अनुच्छेद 56 और 61 को देख करके बहुत सारे मेरे प्यारे साथी क्या करते हैं, एग्जामिनर के जाल में फंस जाते हैं और क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, क्योंकि शब्द के लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाते हैं। तो पहले मैं आपको उस बेस चीज पे मैं आपके दृष्टि दौड़ाऊंगा जिससे कोई भी बच्चा फंस जाता है। देखिए, अगर मैं अनुच्छेद 56 का बात करूं तो अनुच्छेद 56 जो है, अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है, महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है, शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि जो अनुच्छेद 56 है वो अनुच्छेद 56 मात्र एक बात बताता है कि महाभियोग जैसे शब्द, और इसी के द्वारा हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के हटाने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 56 में किया गया है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, शब्द के जाल में फंसने की कोशिश मत कीजिए, निकलने की कोशिश कीजिए। देखिए, अनुच्छेद जो 56 है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाएगा, अर्थात महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में किया गया है। वही अगर मैं बात करूं कि अनुच्छेद 61 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, मैं बार बार कर रहा हूं कि शब्द पर ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 56 क्या कहता है कि अनुच्छेद 56 जो है इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया को बात किया गया है। शब्द के जाल में मत फंसिए, देखिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, यानी कि अनुच्छेद 61 जो है इसमें महाभियोग प्रक्रिया का बात किया गया है, लेकिन महाभियोग जैसे शब्द का बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में किया गया है, जिससे कहा जाता है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाएगा। बात क्लियर हुआ, अनुच्छेद 56 और 61 को समझ पाए? तो आज का हमारा ये जो लेक्चर रहने वाला है, जो वीडियो रहने वाला है, वो अनुच्छेद 61 पर रहने वाला है, जिससे हम राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा चीज यहां पर समझने वाली यही है कि आखिरकार जब हम महाभियोग प्रक्रिया लाते हैं तो राष्ट्रपति को लाते हैं, तो आखिर कारण क्या हो सकता है, आखिर क्यों लाएंगे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया। अगर मैं बताना चाहूं, अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति का मर्डर भी कर देते हैं तो राष्ट्रपति को नहीं हटाया जाएगा, एक ही कारण से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, वह कारण आप जान लीजिए, संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करते हैं राष्ट्रपति, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगा करके राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अब समझिए, संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण होता क्या है, यानी कि राष्ट्रपति संविधान के अनुसार काम अगर नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक संसद होता है, संसद के 3 सदन होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इस राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम संसद के किसी भी सदन में
बिल को लाएंगे, यानी कि प्रस्ताव को लाएंगे। इतना बात समझ पाए? चलिए देखिए, तो राष्ट्रपति को हटाया कब जाएगा? एक ही कारण से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, महाभियोग प्रक्रिया लगाया जा सकता है, लाया जा सकता है। वह कारण क्या है? यानी कि संविधान के उल्लंघन करने पर या अतिक्रमण करने पर। अब मैं समझाता हूं कि आखिरकार अब इसको हटाएंगे कैसे। अब देखिए यहां पर समझिए, अब जैसा कि मैं समझाऊं, संसद इस शब्द को मैं बार बार लिखूंगा, जैसे कि मैं संसद को पढ़ाने का जब पढ़ाऊंगा इस टॉपिक, तो अपने आप में संसद एक टॉपिक होता है जो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आता है। लेकिन हम संसद को इसलिए लिए हैं ताकि हमको समझना है कि राष्ट्रपति को हटाएंगे कैसे, महाभियोग प्रक्रिया लाया कैसे जाता है, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है। तो संसद के मात्र 3 अभिन्न अंग होते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं आशा करता हूं कि एक एक बात को मैं आपके दिमाग में उतार दूंगा, आज से आप भूल ही जाइएगा कि राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया कैसे लगता है, और हमको समझ नहीं है ये लास्ट में आप बोलकर भी जाइएगा कि चलो भाई आज कोई ना कोई हमको इतना अच्छा समझा करके गया। देखिए संसद के कितने अंग? 3 अंग। एक होते हैं राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, एक होते हैं राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा, लोकसभा होता है, और एक होता है राज्यसभा, एक होता है राज्यसभा। इसको ध्यान से देखिए, एक होते हैं राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। यह क्या है? संसद के 3 अभिन्न अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 3 अभिन्न अंग कहलाते हैं। हमको हटाना है राष्ट्रपति को, हमें किसको हटाना है? राष्ट्रपति को। क्यों हटाना है? क्योंकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति काम नहीं कर रहे हैं, तो हमको हटाना है राष्ट्रपति को। तो हम इस संसद के 2 प्रमुख अंग देख लीजिए, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन हटाना किसे है? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को अभी साइड ही रखिए, हम दोनों टक्कर इसमें कराएंगे, किसमें? लोकसभा में और राज्यसभा में कराएंगे। अब रह गया बात, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है, जब आप प्रीवियस ईयर लगाएगा एसएससी वाला, तो आपको पूछा भी गया है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम किस सदन से प्रस्ताव ला सकते हैं। डाल देगा लोकसभा राज्यसभा, इन दोनों में से किसी भी सदन में ला सकते हैं, और फोर्थ ऑप्शन डाल देगा इनमें से किसी में भी नहीं ला सकते। तो ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने के लिए हम संसद के लोकसभा और राज्यसभा के किसी भी सदन से प्रस्ताव को ला सकते हैं। हम संसद के किसी भी सदन से क्या करते हैं? प्रस्ताव को ला सकते हैं। अब लाएंगे कैसे प्रस्ताव, इसको समझिए। देखिए हमने बताया कि संसद यानी कि संसद के लोकसभा राज्यसभा की दोनों सदन के द्वारा हम राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया महाभियोग लगाने के लिए हम किसी भी सदन एक सदन में प्रस्ताव को ला सकते हैं। इतना समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है? अगर दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए दिक्कत तो नहीं होगा, ये मैं इतना आशा दिलाता हूं आपको। अब देखिए अगर मान लेते हैं, मैंने बताया कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से हम प्रस्ताव को ला सकते हैं राष्ट्रपति को महाभियोग के लिए। अगर मान लेते हैं मैं लोकसभा से सदन मतलब लोकसभा से मैं प्रस्ताव ला रहा हूं, यानी कि जब लोकसभा से मान लेते हैं प्रस्ताव ला रहे हैं, राज्यसभा से भी लाया जा सकता है, किसी भी सदन से ना राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव को ला सकते हैं। अगर मैं लोकसभा से सदन प्रस्ताव ला रहा हूं, तो प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, 14 दिन पहले, कितना दिन पहले? ये 14 दिन पहले इस राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा कि हम आपके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं, आपको हटपट से हटाए के लिए हमने षड्यंत्र को रच दिया है। ऐसे समझिए, एकदम खाटी भाषा में एकदम समझिए। तो 14 दिन पहले अगर लोकसभा से लाएंगे तो राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, अर्थात अगर आप राज्यसभा से प्रस्ताव लाते हैं तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा? सूचित किया जाएगा। इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अगर हम लोकसभा से ला रहे हैं तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित कर दिए कि हम महाभियोग ला रहे हैं। अब जब लाएंगे तो कितना मतलब कितना मत से लाएंगे, कितना बहुमत से लाएंगे? तो 1/4 सदस्यों के कुल बहुमत से हम क्या करेंगे? प्रस्ताव लाएंगे। अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, यहीं पर शब्द का जाल फंसता है और बहुत लोग यहीं पर फंसने की कोशिश करते हैं। ये 1/4 क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होता है? 545।
राज्यसभा के कितना होता है तो 243 होता है ना। तो वर्तमान में के कुल संख्या या लोकसभा के कुल संख्या, तो अगर हम बात करें तो लोकसभा के कुल सदस्यों का या लोकसभा के कुल जनसंख्या का, लोकसभा के कुल सीटों की जनसंख्या का हम कितना से पास कराएंगे, 1/4 से, मतलब 1/4 लोग इसको पास कर देंगे। तो हमने क्या किए, यानी कि 1/4 से लोकसभा से क्या लाए, प्रस्ताव को लाए, कुल संख्या से, वर्तमान की कुल जनसंख्या नहीं, जितना कुल जनसंख्या है उसका उतना से हम क्या करेंगे, प्रस्ताव को पास करवाएंगे। अब हम जब 1/4 सदस्यों से हमने प्रस्ताव को लाया तो यह प्रस्ताव क्या होगा, अगर लोकसभा में आया है तो ये 1/4 से लाएंगे, 1/4 से लाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1/4 से लाया जाएगा। अब जब प्रस्ताव को 1/4 से हम लोगों ने ला दिया तो यह लोकसभा क्या करेगा, इस 1/4 से लाए हुए प्रस्ताव को 2/3 सदस्यों के बहुमत से इसे पास करके दूसरे सदन राज्यसभा को भेजेगा। फिर से समझिए, 1/4 यानी कि कुल सदस्यों की 1/4 मत से प्रस्ताव को लाएंगे राष्ट्रपति को महाभियोग के लिए। जब प्रस्ताव लाया जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, 2/3 से हम पास करेंगे, लाएंगे कितना से, 1/4 से, पूछा जाता है क्वेश्चन, लाएंगे कितना से, 1/4 से, किसी भी सदन से ला रहे हैं तो लाएंगे कितना से, 1/4 से। जब 1/4 से ला रहे हैं तो वह सदन क्या करेगा, उस प्रस्ताव को 2/3 से पास करके दूसरे सदन, अगर लोकसभा से लाए हैं तो राज्यसभा को भेज देगा। इतना बात समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, जब 2/3 से इस प्रस्ताव को पास करके ये लोकसभा राज्यसभा को भेजेगा तो राज्यसभा भी 2/3 से पास करेगा, कितना से पास करेगा, 2/3 से। अब इसका केवल समर्थन चाहिए था। अगर मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे उठेगा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर लोकसभा से हमने प्रस्ताव को पास कर दिया, राज्यसभा को क्या किया, भेज दिया, अब राज्यसभा अगर इसे पास न करे तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने लोकसभा से लाए प्रस्ताव 2/3 से पास कर दिया और दूसरे सदन को भेज दिया, अब दूसरा सदन चाहता है कि नहीं मैं इस पे पास नहीं करूंगा, तो दूसरा सदन अगर पास नहीं करता है तो यहीं पर महाभियोग खत्म हो जाएगा, अब राष्ट्रपति को हटाया नहीं जाएगा। अगर दूसरा सदन इसे एक्सेप्ट करता है तो 2/3 से क्या करेगा, पास कर देगा, तो हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति को हटा सकते। अब यहां पर सोचने वाली और एक क्वेश्चन जरूर महत्वपूर्ण होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि जब दूसरा मतलब प्रथम सदन 2/3 से पास करके लोकसभा पास करके राज्यसभा को भेजता है, दूसरे सदन को भेजता है, तो यह राष्ट्रपति क्या करते हैं, खुद इस जांच में शामिल हो सकते हैं, यानी कि जब दूसरा सदन को प्रस्ताव को भेजा जाएगा तो ये राष्ट्रपति खुद जांच में शामिल हो सकते हैं कि आखिरकार जो मेरे खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया है उसमें मेरा गलती क्या है, क्या षड्यंत्र रचा गया है, इससे जांच करने के लिए, समझने के लिए या खुद उस सदन में बैठ सकते हैं, उस जांच में शामिल हो सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक और मजबूत क्वेश्चन उठेगा, जो गहराई से अगर जाएगा ना तो एक और मजबूत क्वेश्चन बचेगा। देखिए कैसे, अगर मान लेते हैं कि यहां पर देखिए राज्यसभा से मान लेते हैं हमने प्रस्ताव लाया, अच्छा लोकसभा से लाए, तो क्या संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं राष्ट्रपति, मान लीजिए अगर राज्यसभा कहता है कि मैं पास नहीं करूंगा, मैं बिल को पास नहीं करूंगा, या मैंने बिल को पास कर दिया मैंने बिल को पास, तो क्या राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। जैसे मैं समझिए, देखिए कैसे, अगर लोकसभा से पास हो गया है, लोकसभा से पास हो गया है बिल, यानी कि प्रस्ताव पास हो गया है, दूसरे सदन के लिए बोला गया है, और अगर हम बात करें कि अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन का, तो राष्ट्रपति तो बुला नहीं सकते हैं। इसको समझाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा को समझिए। देखिए लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं, यानी कि 500 कितना होता है, 45 होता है, और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना होता है, अगर बात करें तो 200 कितना, 43 होता है। तो आप खुद अपने दृष्टि को दोहराइए और ध्यान से सोचिए कि लोकसभा में 545 सदस्य और राज्यसभा में कितना, 343 सदस्य, और जब लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा के 343 सदस्य चिल्लाते रह जाएंगे, लेकिन इसकी जनसंख्या कितना देखिएगा, 545। तो खुद ऐसा ही मतलब नहीं हो सकता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। क्या इतना बात आप लोग समझ पाए,
क्या इतना बात को मेरे समझ पाए? तो ये रहा हमारा प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया, कि कैसे हम प्रस्ताव लाएंगे और कैसे हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। अब जानते हैं कि अब राष्ट्रपति के जो महाभियोग प्रक्रिया होता है, इस महाभियोग प्रक्रिया में भाग कौन कौन लेता है, यानी कि कौन कौन सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेता है और कौन सदस्य भाग नहीं लेता है, मैं इसको इतना अच्छे से फिर बताने वाला हूं कि तुलना करके बताऊंगा। जैसे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, उससे कंपेयर करूंगा और मैं आपको समझाऊंगा एकदम इजी वे से। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, स्किप मत कीजिएगा। अगर अच्छे से समझना हो तो मानते हैं इससे अच्छा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिल पाएगा आपको। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग कौन कौन लेता है। इसके लिए आप लोग समझिए, देखिए एक होता, इसको भी मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा। देखिए अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति के चुनाव का बात करें, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, तो चुनाव इनका होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा, निर्वाचक मंडल के द्वारा। चुनाव किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जो संविधान के अनुच्छेद किसमें आता है? 54 में आता है। यानी कि निर्वाचक मंडल के द्वारा इनका चुनाव होता है। अब समझिए अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति व महाभियोग, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कौन कौन सदस्य भाग लेंगे, कौन सदस्य भाग नहीं लेंगे, इसको समझिए। देखिए अगर राष्ट्रपति का चुनाव का बात करें, तो चुनाव के लिए क्या होता है, संसद के, संसद के दोनों सदनों के, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, यानी कि संसद के दोनों सदनों मतलब क्या, लोकसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, जो सदस्य क्या है, निर्वाचित है, यानी कि चुनाव जीते हुए हैं, यानी कि जो सदस्य निर्वाचित है, चुनाव जीते हुए हैं, वह क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। इतना बात समझने में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए राज्यों के, ध्यान से समझिएगा, राज्यों के क्वेश्चन बनता है, यहां से प्रश्न बनता है, राज्यों के विधानसभा के, विधानसभा, विधानसभा के मतलब एमएलए लोग होते हैं, जो विधायक हम लोग बोलते हैं, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, कौन सदस्य, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी कि राज्यों के निर्वाचित सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा दिल्ली, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली एवं पुडुचेरी, दिल्ली एवं पुडुचेरी के निर्वाचित, यानी कि दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इस चुनाव में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और इस चुनाव में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, यानी कि मनोनीत सदस्य, याद रखिएगा, मनोनीत सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो भाग कौन कौन लेते हैं, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य कहिए, चाहे आप कहिए कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। इसके अलावा जो हमारा राज्य होता है, राज्य के अंदर जो विधानसभा होता है, जिसे हम लोग विधायक बोलते हैं, तो राज्य के अंदर जितने विधानसभा निर्वाचित सदस्य लोग हैं, वो सदस्य भी क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अब देखिए इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव में एक विधान परिषद जो होता है, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि पूरे राज्यों में हमारे यहां विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद होता क्या है, जब मैं विधानसभा पढ़ाऊंगा तो इसमें डिटेल में चर्चा करूंगा। विधान परिषद एक विधानसभा का सहयोग करने वाला एक, मतलब सहयोग करने वाले होते हैं, ठीक है, तो मैं बताऊंगा जब विधानसभा को पढ़ाऊंगा तब। यहां पर समझिए कि जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, वो इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये तो रहा आपका बेसिक स्ट्रक्चर, जो आपका निर्वाचक मंडल था, जिससे राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है।
अब मैं समझाने वाला हूं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग में कौन कौन सदस्य भाग लेंगे और कौन कौन सदस्य भाग नहीं लेगा, कौन कौन भाग लेते हैं और कौन कौन भाग नहीं लेते हैं। देखिए अगर महाभियोग का बात करें तो महाभियोग में भाग लेने वाले यानी कि संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य का मतलब ये हुआ कि जो संसद है हमारा लोकसभा जो है और जो क्या है राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा में दो एंग्लो भारतीयों के नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त करते हैं जो किसी ना किसी विशेष क्षेत्र से आते हैं, कला से आता है, साहित्य से आते हैं, समाज सेवी से आते हैं, विज्ञान से आते हैं। ये चार क्षेत्रों से आने वाले विशेष व्यक्तियों को राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? मनोनीत करने का काम करते हैं राष्ट्रपति। और दो एंग्लो भारतीयों, अब तो एंग्लो भारतीयों का प्रावधान खत्म कर दिया गया है 126वां संविधान संशोधन के द्वारा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अनुच्छेद 331 तब मैं बताऊंगा कि एंग्लो इंडियो क्या होता है, ठीक है। और राज्य विधान लोकसभा का बात करें तो लोकसभा का दो सदस्य जो एंग्लो इंडियन होते हैं यह सदस्य क्या करते हैं इस महाभियोग में भाग लेते हैं। शब्दों को फिर से समझिए, देखिए महाभियोग में भाग कौन कौन लेंगे नहीं कि संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य। आज राष्ट्रपति के चुनाव में क्या था कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, लेकिन यहां पर महाभियोग में संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य क्या करेंगे भाग लेंगे। भाग लेने का मतलब कुल सदस्य मतलब क्या, यानी कि जो सदस्य निर्वाचित है वो भी महाभियोग में भाग लेंगे और जो सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 को, यह 12 आदि 14 सदस्य जो मनोनीत हुए हैं वो भी क्या करेंगे राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में हिस्सा लेने का काम करेंगे। और यहां पर राज्यों के विधानसभा के सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, ध्यान दीजिएगा लेते हैं, यानी कि यहाँ पर राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनाव में भाग लेंगे लेकिन महाभियोग लगाने के लिए मात्र संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा के कुल सदस्य भाग लेंगे, यहाँ पर विधानसभा यानी कि राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो आप इस बात को दिमाग में रखिएगा कि महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है और चुनाव में कौन कौन हिस्सा नहीं लेता है, कौन कौन हिस्सा लेता है कौन कौन नहीं लेता है, और महाभियोग लगाने के लिए कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं और कौन कौन सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो राज्यों के विधानसभा के सदस्य चाहे मनोनीत हो वो भाग नहीं लेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे लेकिन इसमें महाभियोग में क्या होगा संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य क्या करते हैं महाभियोग में भाग लेने का काम करते हैं। तो ये रहा आपका महाभियोग कैसे राष्ट्रपति को लगाया जाता है और राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है, यह महाभियोग का प्रक्रिया रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे बातों से आप संतुष्ट हुए होंगे, अगर मेरे बात आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्ट्रक्चर बताने के लिए देख लीजिए फेसबुक कितना पसीना निकल रहा है। तो जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप मेरे लिए एक मोटिवेट दे दीजिए जिससे हमारे अंदर और ऊर्जा भरता है, वह है आपका लाइक, वह है आपका कमेंट, वह आपका शेयर। अगर वीडियो में कोई भी त्रुटि हुआ हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके हमको बताने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।